फंक्शनल ग्रुप, अभी कुछ मीटिंग चल रही थी ऑफिस में, इस वजह से आपका आज का लेक्चर थोड़ा लेट हुआ है ना। क्लास के कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस पर अभी ऑफिस में मीटिंग में थे। ठीक है, तो अभी हम आगे टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो भैया अपन कहाँ तक के आ गए थे कि कल हमने देखे थे फंक्शनल ग्रुप देखे थे, आपको याद हो फंक्शनल ग्रुप? तो 10 फंक्शनल ग्रुप हमारे हो चुके हैं ना। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप था वो बॉन्ड एक्स था। मैं फंक्शनल ग्रुप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सर कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो कल के क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा आपको उसका आंसर क्या है, पहले अपन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप इट इज अ ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइन, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। टोटल फंक्शनल ग्रुप जो है 25 देखना है। हमने ऑलरेडी जो 10 ग्रुप कल देखे थे वो सिंपल फंक्शनल ग्रुप थे, बॉन्ड एक्स हैलाइड से होते हुए, बॉन्ड एक्स हैलाइड, देन बॉन्ड ओ एच अल्कोहल, देन बॉन्ड एस एच थायो अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड एज मर कैप्टन, देन बॉन्ड सी एन साइनाइड, देन बॉन्ड एन सी आइसो साइनाइड, देन बॉन्ड सी एन ओ साइनेट, देन बॉन्ड एन सी ओ आइसो साइनेट, देन बॉन्ड सी एन एस थायो साइनेट, बॉन्ड एन सी एस आइसो थायो साइनेट, और लास्ट वाला देखे थे बॉन्ड एन एच टू एन ए के अमाइन, और अमाइन हैज फिशी स्मेल। तो ये हमारे ग्रुप्स ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, ये हो गया हमारे कल तक के ग्रुप्स। तो इस तरह से ये जो हमारे बच्चों हो गए थे ग्रुप्स, अब हम आगे चलेंगे। और आगे चलने से पहले मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा, कैपिटल आर को अल्किल ग्रुप कहते हैं। इस अल्किल ग्रुप इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन बॉन्ड है। ये बॉन्ड हम छोड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप को लगाने के लिए। अल्किल ग्रुप के जो एग्जाम्पल थे कल मैंने बताया था, इसके 5 एग्जाम्पल हर गरीब से गरीब को याद करना है। पहला एग्जाम्पल है सी एच थ्री, दूसरा एग्जाम्पल है सी टू एच फाइव, तीसरा एग्जाम्पल है सी थ्री एस सेवन, बाद का एग्जाम्पल है सी फोर एच नाइन, देन सी फाइव एच इलेवन। तो सी एच थ्री, सी टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन, सी फोर एच नाइन, सी फाइव एच इलेवन, इसका नाम है मिथिल। ये ऑलरेडी बहुत बार हो गया, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड देन पेंटिल। पेंटिल ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमिल ग्रुप। अब एक बार सुनो अच्छे से मेरी बात, कि ये जो 5 अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप को आपको फंक्शनल ग्रुप से जोड़ के नए नए कंपाउंड बनाना है। ठीक है, हमने कल ऑलरेडी 10 ग्रुप देख चुके थे, अब आगे के जो ग्रुप है वो अपन देखेंगे। देखो अब जो ग्रुप अपने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस वाले ग्रुप है। अब तक ये क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया भाई ओ एच अल्कोहल, सी एस थ्री बॉन्ड ओ एच मिथिल अल्कोहल, सी टू एच फाइव बॉन्ड ओ एच इथिल अल्कोहल, इस तरह से कंपाउंड थे। जैसे कि एन एच टू मतलब अमाइन, तो सी एस थ्री बॉन्ड एन एच टू मिथिल अमाइन, फिर इथिल अमाइन, फिर प्रोपिल अमाइन। तो बिल्कुल ढील जा रही थी, बिल्कुल पतंग हवा में लग गई थी अपनी, समझ में आ रहा है? तो उस वक्त का ऐसे ग्रुप थे अभी तक के, यानी एक ग्रुप समझ में आया कि उसके हिसाब से बाकी चलते रहता। बट अब जो हम देख रहे ग्रुप वो ऐसे नहीं है। देखो सबसे पहले मैं आपका ग्रुप लेता हूँ एल्डिहाइड से शुरू करता हूँ। क्या आपका 10th तक के सिलेबस में एल्डिहाइड ये कंपाउंड था एज ए फंक्शनल ग्रुप? था एल्डिहाइड? अरे नाम तो सुने होंगे एल्डिहाइड, हाउ नहीं कुछ, अरे खरमुरो, अरे कहाँ गए? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो एल्डिहाइड तक क्या था, कितने हो गए अभी? ऐसा तो अल्डिहाइड ग्रुप था समझो अपना। ठीक है, तो वो जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसी को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना आज का जो ग्रुप नंबर 11 है, दिस इज योर 11 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपका 11 नंबर का ग्रुप है, बॉन्ड सी एच ओ। बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड एच, आगे डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड हम छोड़ रहे अल्किल ग्रुप को लगाने के लिए। आज आपको एक और इंटरेस्टिंग बात जान के खुशी होगी कि अल्किल ग्रुप का एक और ऐसा एग्जाम्पल है जो अल्किल ग्रुप नहीं है, बट हम अल्किल ग्रुप के लगा सकते हैं, अल्किल ग्रुप की जगह उसको लगा सकते हैं, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज नॉट द अल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, उसको भी हम अल्किल ग्रुप की जगह कुछ फंक्शनल ग्रुप में लगा सकते हैं, सभी ग्रुप में नहीं लगा सकते। देख लो ये बॉन्ड सी एच ओ, इसका नाम है अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड कहते हैं।
बेटा इसमें जो ये जो ग्रुप है ना, सिर्फ ये इतना ग्रुप, ये सीओ, इसको बोलते बाय वैलेंट सीओ। दिस ग्रुप, इसको ऐसा पढ़ते बाय वैलेंट सीओ, उसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। इसको और एक नाम है ऑक्सो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप, लाइक दिस। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है बायवेलेंट सीओ यानी के कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप है। अब जरा ध्यान रखना, मैं पहला एग्जांपल बनाने जा रहा हूं। यहां पर अगर हमने आर लगा दिया, आर बॉन्ड सी एच ओ, तो इसको अल्किल अल्डिहाइड कह सकते, बट नॉर्मली इसको हम सिर्फ अल्डिहाइड कहते, इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। तो अल्किल अल्डिहाइड भी कह सकते हैं या नॉर्मल अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्डिहाइड है। इसके एग्जांपल मैंने, चलो एग्जांपल पे फोकस करो। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये आर के जगह पे पहले एच लगाना है, तो इसका एच बॉन्ड सी एच ओ, ये पहला एग्जांपल होगा। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। और एच बॉन्ड सी एच ओ का नाम क्या है, फॉर्म अल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्म अल्डिहाइड, ध्यान में रखना, इट इज फॉर्म अल्डिहाइड, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड सी एच ओ, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड। शाबाश, ये जो सुहाना सोरेटिया, इन्होंने लगता पूरा पढ़े हुए अच्छे से, है ना, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ब्यूटेनाल, बेंजाल्डिहाइड तक के पहुंच गए, शाबाश। इसका मतलब ये लगता है आप अपने रेगुलर बैच में थे पहले, फाउंडेशन में, सुहाना सोरेटिया आप थे क्या रेगुलर बैच में अपने पहले फाउंडेशन में? यस सर, हाँ वही तो। फिर तो ये ऐसे आंसर मत दिया करो बेटा जल्दी फटाफट, जो बेचारे कमजोर दिल के बच्चे बैच देख रहे होंगे उनको अटैक फटैक आ जाएगा कि इतने जल्दी इतने सब कैसे लिख दली करके। कारण ये है कि सुहाना सोरेटिया जो अपने पहले फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, फाउंडेशन बैच में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो वेरी गुड सुहाना, बट थोड़ा सा अभी आंसर मत टाइप करके भेजो, उससे बाकी कमजोर दिल वाले बच्चे, उनको कोरोना से तो नहीं पर ये फालतू टेंशन से कुछ तो भी हो सकता, तो थोड़ा ख्याल रखो गरीबों का बेचारा, ठीक है। तो भाई सी एस थ्री बॉन्ड सी एच ओ का एसिटाल्डिहाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल बताऊंगा, थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज सी टू एच फाइव बॉन्ड सी एच ओ। अगर हम हाइड्रोजन लगाए तो फॉर्मल्डिहाइड, सी एस थ्री लगाए तो एसिटाल्डिहाइड। क्वेश्चन आपने तब आंसर देना है जब मैं क्वेश्चन पूछू, तब आप सोहन आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ अखंड क्वेश्चन का इसका नाम क्या है तब बताइए, तब आप दे सकते हैं आंसर। अब आर्यभगत को भी इसका नाम बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने पूछा नहीं नाम अभी आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो सी टू एच फाइव बॉन्ड सी एच ओ यानी के प्रोपी, ऑनाल्डिहाइड, प्रोपी ऑनाल्डिहाइड। ये बच्चों इसके नाम बहुत सिंपल है, सभी अल्डिहाइड खानदान के खरमूरे है। एच बॉन्ड सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड, सी एस थ्री बॉन्ड सी एच ओ एसिटाल्डिहाइड, सी टू एच फाइव बॉन्ड सी एच ओ प्रोपी ऑनाल्डिहाइड, सी थ्री एस सेवन बॉन्ड सी एच ओ, अगला C3H7 bond CHO, इसका नाम है ब्यूटीराल्डिहाइड, इट इज ब्यूटीराल्डिहाइड, इट इज ब्यूटीराल्डिहाइड। और एक बात ध्यान में रखना, मैं जो पांचवा एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर हमने इसके जगह पे फिनिल ग्रुप लगाए, दैट इज C6H5, यानी सभी को पता है कि फिनिल ग्रुप मतलब ये होता है ये ऐसा बेंजीन रिंग लाइक दिस, और इसको एक बॉन्ड, और यहां पे अटैच क्या करना है सी एच ओ, C6H5, पांचवा एग्जांपल बॉन्ड सी एच ओ, तो इसका नाम बच्चों बेंजाल्डिहाइड, इट इज बेंजाल्डिहाइड। अरे याद करो, हमने भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इसको देखे थे कि बेंजीन रिंग के ऊपर सी एच ओ लगाते, मैंने बताया था आपको, याद करो, समझ में आया, मैंने बताया था ग्रुप आपको कि बेंजीन रिंग के ऊपर हम सी एच ओ लगाते हैं तो उसको बेंजाल्डिहाइड कहते हैं, और बेंजीन रिंग को और एक बॉन्ड अटैच हो तो उसको हम C6H5 कहते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने ऊपर क्या लगाया, सी एच ओ लगाया,
दैट इज बेंजाल्डिहाइड। इसको ऑयल ऑफ बिटर एलमोंड भी कहते हैं, ऑयल ऑफ बिटर एलमोंड। अब हर बच्चे को क्या करना है कि ये 11वां नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है ये याद करना है। देखो अब तक के जो पहले ग्रुप हो गए वो ग्रुप में रिपीट कर देता हूं। अब तक के हमने जो जो ग्रुप रिपीट देखे, बॉन्ड एक्स हैलाइड, बॉन्ड ओ एच अल्कोहल, बॉन्ड एस एच थायो अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड मरकैप्टन, बॉन्ड सी एन साइनाइड, बॉन्ड एन सी आइसो साइनाइड, बॉन्ड सी एन ओ साइनेट, बॉन्ड एन सी ओ आइसो साइनेट, देन बॉन्ड सी एन एस थायो साइनेट, देन बॉन्ड एन सी एस आइसो थायो साइनेट, देन बॉन्ड एन एच टू अमाइन, अमाइन एस फिश स्मेल। यहां तक के अपने हो गए थे ग्रुप कल, और आज हम देखे बॉन्ड सी एच ओ एल्डिहाइड। और अगर आपने एल्डिहाइड की एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करें तो मैं इसके बाद के जो दो ग्रुप है हाथों हाथ बता देता हूं। इसके बाद का ग्रुप है एसिड, उसके बाद का ग्रुप है अमाइड। तो अल्डिहाइड एसिड अमाइड बोलते रहो, अल्डिहाइड एसिड अमाइड, अल्डिहाइड एसिड अमाइड। आशावास, अरे बोलो ना खरमुरो, अल्डिहाइड एसिड अमाइड, अल्डिहाइड एसिड अमाइड। ये जो ग्रुप है बॉन्ड सी एच ओ, इसका नाम अल्डिहाइड है। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर, इसके बाद का जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12 यही समझा के देता हूं बाजू। ग्रुप नंबर 12 बॉन्ड सी ओ ओ एच, वैसे तो इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसको हम एसिड ग्रुप भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एसिड ग्रुप। इसका दूसरा नाम है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे बॉन्ड ओएच को हमने अल्कोहल बोले थे, बट उसका एक और नाम मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्सिल, अरे बताया था ना अगर हाइड्रोक्सिल, तो बॉन्ड सीओएच को वैसे एसिड ग्रुप कहते हैं, और इसको कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप या इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे, बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच, ये इसका स्ट्रक्चर है। हर बच्चों को निकालते आना चाहिए। और ये जो बॉन्ड हमने जगह छोड़े ना, ये जगह किसके लिए छोड़े, अल्किल ग्रुप के लिए। अब मैं यहाँ पे अल्किल लगा देता हूँ, आर बॉन्ड सी ओ ओ एच, तो इसको हम कहते हैं अल्किल एसिड, बट सिंपली इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिंपली कॉल्ड एज एसिड, तो इसको हम कह सकते हैं एसिड। वैसे इसका एक और नाम है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पता है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप यानी के सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप इन इट, यानी इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि जिसमें आप आर के जगह पर हाइड्रोजन एटम लगा सकते हैं, एसिड में भी आर के जगह पे एच लगा सकते हैं। चलो देखो आर के जगह पे एच लगाएंगे, तो इसका पहला एग्जाम्पल है बच्चों एच बॉन्ड सी ओ ओ एच, जैसे हमने एल्डिहाइड में करे थे आर के जगह पे एच, फिर सी एस थ्री, फिर सी टू एच फाइव, फिर सी थ्री एच सेवन, और फिर सी सिक्स एच फाइव, जैसे हमने आर के जगह पे लगाते गए थे, है ना। तो इसको अब एक बच्चे ने पूछा गया सर इसको अल्कियानोइक एसिड कहते हैं, अल्कियानोइक एसिड उसका आईयूपीएसी नेम है, और हम जितने भी कंपाउंड देख रहे हैं मैं आपको फिर समझा के दूंगा नोमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम रहेगा उसका। ओके एच बॉन्ड सी एच, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज सी एच थ्री बॉन्ड सी ओ एच, इसका नाम है एसिटिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल है सी टू एच फाइव बॉन्ड सी ओ ओ एच, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। चौथा है सी थ्री एस सेवन बॉन्ड सी ओ एच, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अल्किल की एग्जाम्पल लगाते जा रहे हैं। वैष्णवी शरीर में फिर बोलूंगा कि
आपको आंसर आगे तब देना है जब मैं पूछूंगा, ठीक है ना, जैसे मैंने सुहाना को बताया था। तो इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड, जब मैं पूछू तब बताना है। ब्यूटेरिक एसिड एंड द लास्ट वन, लास्ट वन जो एरोमेटिक का एग्जांपल है, दैट C6H5 बॉन्ड COH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हमने देखे थे, इसलिए बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये ऐसा। अब एक बात ध्यान में रखना, फॉर्मिक एसिड जो एसिड है ना, इस एसिड की खास बात है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट, या इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। जब लाल मूंगी या शहद की मक्खी काटती है तो आपको पता होगा कितना अच्छा लगता, बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता मक्खी और मूंगी काटने के बाद, तो जो ठंडापन लगता है ना अपने को, जो अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वो रेड एंड जो लाल मूंगी या शहद की मक्खी जो है, वो अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एक केमिकल सिक्रेट करती है, और उस केमिकल के वजह से हमको इरिटेशन होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, और उस केमिकल का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो रेड एंड को लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं, और फॉर्मिका से मिलने वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, विच एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंड, तो फॉर्मिक एसिड है, ये बच्चों रट गया क्वेश्चन है। तो कौन सा एसिड है जो हमको रेड एंड से मिलता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसको विनेगार कहते हैं, इसको ग्लाइशियल एसिड भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइशियल एसिड। देखो प्रोपियोनिक एसिड जो है ना, ये प्रो फैट से बनाते, प्रो फैट PROFAT। ब्यूटेरिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम बटर, नाम सुना ना, बटर, चीज बटर है ना, तो बटर से मिलता है ब्यूटेरिक एसिड के। प्रो फैट से बनता करके प्रोपियोनिक एसिड, किससे बनता हो छोड़ दो ना, ये पहले दो पॉइंट काम के थे, और बाकी के जो सीधे सीधे पॉइंट आपको नाम लर्न करना है। तो आज हमने दो फंक्शनल ग्रुप देखे, पहला ग्रुप कौन सा देखे, अल्डिहाइड, दूसरा ग्रुप कौन सा देखे, एसिड। अल्डिहाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से, बाजू में लिखे हुए, फॉर्म अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटेन अल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, और इसके एसिड के एग्जाम्पल वही है, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब हम अगला ग्रुप देखेंगे बच्चों, अभी जो ग्रुप हो गए अपना CHO के बाद अगला ग्रुप कौन सा था, बॉन्ड COOH। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 13, बॉन्ड CONH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइड, अमाइड। और एक बात ध्यान में रखना है खरमुरो, ये जो एसिड के एग्जांपल है ना, ये अच्छे तरीके से लर्न करना, बिकॉज ये पांच ग्रुप से मैं आपको, ये पांच एग्जांपल से मैं आपको 10 ग्रुप बनाना सिखाऊंगा, 5 से 10, और बहुत ही सिंपल है। और पता क्या क्या करना है, सुनो अच्छे से, ये एच बॉन्ड COOH है, बोलो यस सर, ठीक है। तो आपको पहले इसमें से ये हाइड्रोजन कम करना है, तो एक ग्रुप बन जाएगा, फिर सब जगह पे हाइड्रोजन कम 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 करना है, तो 5 नए ग्रुप बन जाएंगे। उनके नाम पता है क्या रहेंगे, फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट, ये मैं ट्रेलर बता रहा जो कल बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन कम करना है, तो जो फॉर्मेट बना था वो फॉर्मिल बन जाएगा बाद में, तो फिर फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट होते हुए फॉर्मिल, फिर एसिडिक एसिड से एसिटेट होते हुए एसिटिल, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनेट होते हुए प्रोपियोनिल, ब्यूटीरिक एसिड से ब्यूटीरेट होते हुए ब्यूटीरिल, और बेंजोइक एसिड से बेंजोएट होते हुए बेंजोइल। तो देखो फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटीरिक, बेंजोइक एसिड, ये 5 हो गए। इनसे 5 ग्रुप कौन से बनेंगे, फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट, और से 5 और कौन से बनेंगे, फॉर्मिल, एसिटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटीरिल, बेंजोइल। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, तो 10 जो अगले ग्रुप है वो बहुत आसान है। देखो आखिरी के 10 बहुत आसान है, पहले 10 बहुत ईजी थे, जो तकलीफ है ना वो बीच के 5 देते हैं, और बीच के 5 में आज बताने वाला हूं। अभी हम तीसरा ग्रुप देखेंगे अमाइड, फिर देखेंगे हम उसके बाद में कीटोन, और फिर उसके बाद देखेंगे इथर,
ये हो गया 15 और उसके बाद हम देखेंगे अगले 10 जो कल देख लेंगे। समझ में आया? एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड वो उसके बाद देखेंगे, यानी फिर 27 ग्रुप तक चले जाते हैं, 27 ग्रुप्स। बताऊंगा चलो। बॉन्ड सी ओ एन एच टू अमाइड कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखो, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एन बॉन्ड एच बॉन्ड एच। कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ये वो ग्रुप में ले रहा हूँ जिनके नाम एक जैसे है। देखो जब अल्डिहाइड खानदान में था तो फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिड खानदान में आए तो फॉर्मिक एसिड, फिर अमाइड खानदान में आए तो फॉर्म अमाइड, फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड फॉर्म अमाइड, एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड एसिटामाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोनामाइड, इसी तरह से बेंजाल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बेंजामाइड, इसी तरह से हत्ती हल्डिहाइड और फिर हत्ती एसिड और हत्ती माइड। ठीक है, ये बन जाएगा फिर वो जो है तो अगला। अरे समझ में आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। तो मतलब मैंने वो एग्जांपल दिया आपको भाई, हत्ती एल्डिहाइड हत्ती एसिड हत्ती एमाइड, मतलब सेम सीक्वेंस है, द वर्डिंग इज वेरी कॉमन। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड फॉर्मामाइड, एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड एसिटामाइड एंड सो ऑन। अब देखो आर बॉन्ड सी ओ एन एच टू, इसका नाम रहेगा जस्ट अमाइड, या इसको अल्किल अमाइड कह सकते हैं, पर नॉर्मली कॉल्ड एज अमाइड। अब इसके एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो रे करमुरो, एच बॉन्ड सी ओ एन एच टू, इसको कहते हैं फॉर्म अमाइड, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म अमाइड। बड़ा सी एच थ्री बॉन्ड सी ओ एन एच टू, पहले आर के जगह पर आपको हाइड्रोजन लगाना है, फिर मिथिल लगाना है, फिर इथिल लगाना है, फिर प्रोपिल लगाना है और फिर फिनिल लगाना है। तो इसको हम कहेंगे एसिटामाइड, इट इज कॉल्ड एज एसिटामाइड। देन सी टू एच फाइव बॉन्ड सी ओ एन एच टू, इट इज कॉल्ड एज प्रोपियोनामाइड। देन सी थ्री एस सेवन बॉन्ड सी ओ एन एच टू, इट इज कॉल्ड एज ब्यूटीरामाइड ब्यूटीरामाइड। और लास्ट वाला सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड सी ओ एन एच टू, इट इज कॉल्ड एज बेंजामाइड। ये 5 हो गए, ये वही थे, ये वैसी थी, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड फॉर्मामाइड, एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड एसिटामाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोनामाइड, ब्यूटीराल्डिहाइड ब्यूटीरिक एसिड ब्यूटीरामाइड, बेंजाल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बेंजामाइड बेंजामाइड। अब एक हमने ग्रुप कौन कौन से देखे, मैं एक बार फिर बता, हमने ग्रुप देखे बॉन्ड सी एच ओ एल्डिहाइड बॉन्ड सी ओ एच एसिड और बॉन्ड सी ओ एन एच टू अमाइड। तो बच्चों हमने कुल मिला के यहाँ पर 13 फंक्शनल ग्रुप देख लिए। अब चलो पूरे ग्रुप यहाँ फिर से रिपीट करेंगे, मैं आपको ये ग्रुप पूछूंगा, आपको इसका नाम बताना, जरा जोर से बोलना है, आप चिल्लाएंगे घर पे आवाज यहाँ तक क्या नहीं को होना, भले आपके पड़ोसियों को आओ ना मुझे आने को होना। अरे समझ में आया? चलो ठीक है। हाँ बॉन्ड एक्स, अरे बॉन्ड एक्स, अरे एक्टिंग मत करो बोलो, बॉन्ड एक्स हैलाइड, बॉन्ड ओ एच बॉन्ड एस एच बॉन्ड सी एन बॉन्ड एन सी बॉन्ड सी एन ओ बॉन्ड एन सी ओ बॉन्ड सी एन एस थायोसाइनेट बॉन्ड एन सी एस आईसो थायोसाइनेट, वेरी गुड। बॉन्ड एन एच टू अमाइन, अमाइन एस फिशी स्मेल। देन बॉन्ड सी एच ओ, ये आज के ग्रुप थे, बॉन्ड सी एच ओ एल्डिहाइड,
then bond COH acid, then bond CONH to amide. देखो मैंने आपको aldehyde ग्रुप बताया ना, तो ये aldehyde में जो फॉर्म aldehyde है ना, इससे रिलेटेड में अच्छा पॉइंट बता दूं। ये जो फॉर्म aldehyde है, फॉर्म aldehyde से फॉर्मेलिन नाम का एक कंपाउंड बनता है, फॉर्मेलिन। ये बहुत ही काम का कंपाउंड है, इंसान को मरने के बाद भी अच्छा रखने का काम करता है। अब कोई इंसान समझो मर गया, तो मर गया मतलब क्या होगा, मर गया ना मतलब मरने के बाद, तो जो डेड बॉडी होती है उसको बहुत दिनों तक के प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन के इंजेक्शन का मदद लिया जाता है। ठीक है भाई, खाली इंसान की इच्छा है कि मैं 2021 में मरा, पर मैं चाहता है कि 2022 तक के मैं अच्छा दिखूं विदाउट मेकअप, समझ में आ रहा है क्या? तो उसको फॉर्मेलिन के इंजेक्शन दे दे के जिंदा, मतलब जिंदा तो नहीं रखेंगे सॉरी, बट उसको अच्छा रखेंगे। अरे समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? तो फॉर्मेलिन जो है ना, ह्यूमन बॉडीज जो होते हैं डेड बॉडीज, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मेलिन का जो कंपोजिशन है वो 40% उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड होता है, 8% जो होता है उसमें मिथिल अल्कोहल होता है, और 52% वाटर होता है। ये पूछते बेटा नीट के अंदर, नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन किस, फॉर्मेलिन का कंपोजिशन क्या है। तो फॉर्मेलिन का जो कंपोजिशन है 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथिल अल्कोहल, 52% वाटर। तो ये है कंपोजिशन ऑफ फॉर्मेलिन, समझ में आया? चेक कर लो। तो ये जो था फॉर्मेलिन का मैंने कंपोजिशन आपको बताया। क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर पूछ सकते हैं कि फॉर्मेलिन क्या होता है। फॉर्मेलिन एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। अब ये जो चीजें है अपनी, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, अमाइड हो गया, अब देखो कीटोन, इथर, एसिड अनहाइड्राइड, इस्टर, और जो बाकी के पूरे ग्रुप है ना, कल हम क्या करेंगे, टोटल 14 ग्रुप देखेंगे। आज 13 हो गए, तो बच्चों हम देखेंगे टोटल 27 ग्रुप। और ये 27 ग्रुप समझने के लिए, 27 में के 10 बहुत इजी है आपको, ये एसिड के 5 एग्जांपल अच्छे से पता होना चाहिए, 5 एग्जांपल। ये 5 एग्जांपल अच्छे तरीके से लर्न करके, हमने आज देखे एल्डिहाइड, एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड, एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिड और अमाइड देखे। तो एसिड के जो 5 एग्जांपल है, H bond COH formic acid, CH3 bond COH acetic acid, then propionic acid, then butyric acid and then benzoic acid। ये बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से मैं आपको 10 बना के दिखाऊंगा ग्रुप, जो बहुत आसान है। और जो बचे 4 ग्रुप है वो थोड़े से नए हैं, जैसे जिसके अंदर हम कह सकते हैं कीटोन, देन इथर, देन थायो इथर, ठीक है। मतलब कल हम टोटल 15 ग्रुप देखेंगे, कल अपन रिकॉर्ड ब्रेक काम कर देंगे। देखो अपन ने पहले 2 दिन में 13 ग्रुप देखे, बराबर, अब हम कल देखेंगे 15, तो 13 और 15 की तो 28 फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं, 28 फंक्शनल ग्रुप। अब जो कल का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर 2p इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होते हैं, तो उसका आंसर था नाइट्रोजन। वैसे मैं इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको आ जाएगा किस तरीके से वो नाइट्रोजन है, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने और बाकी ऑप्शन में क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, समझ में आया? वो वीडियो आपको शाम तक क्या जाए, शाम में कर लेते शूट अपन उसको।
नितिन हाँ हाँ शाम में है ना तू यहाँ पे? तो हम आपको वो क्वेश्चन को शाम में बताएंगे, ठीक है? तो अभी या आपको जैसे होता है तो आपको उसका आंसर तो सी था, ऑप्शन सी था उसका आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2p इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, उसका आंसर सी है। और नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p के अंदर, ठीक है? तो वो कैसा होता है वो आपको मैं कल समझा के दूंगा, या अभी शाम में भी मतलब वीडियो आपको आ जाना। आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड डॉक्टर बुआ कुलकर्णी से रेखा क्वेश्चन की हिंट देंगे, ठीक है? और उसका क्वेश्चन जो कल आएगा और परसों उसका आंसर मिलेगा। और आज के क्वेश्चन का राइट आंसर किसने दिया, उसको जो प्राइज मिल रहा उसका नाम या उसका फोटो, वो मेरे 30-40 सेकंड की वीडियो में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो किसने आंसर दिया, 50 रुपए किसको मिले पता चलेगा आपको। इसमें कोई करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिनको जो मिलेगा प्राइज उनको मिलने वाला है। आप भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से अपना इंस्टा अगर होगा या पेरेंट्स का इंस्टा होगा तो उससे अपने क्लास को फॉलो करो, कोई अच्छे से कमेंट्स भी लिखो टैग करके उसके ऊपर बेहतरीन जरा। और अपने गूगल पे जाके अपने क्लास का जो वेबसाइट है ना, गूगल पे जाके वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन आता है तो सही बच्चों ने उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि अब तक के आपको जो फीडबैक क्लास के साथ मिला। समझ में आया आपको? अरे करेंगे क्या खरमुरो फिर? चलो ठीक है, मतलब करेंगे भी बच्चे। तो इंस्टा को सभी स्टूडेंट को फॉलो करना है, साइमल्टेनियसली उस पर कमेंट्स करना है। गूगल पे जाके अपन लास्ट टाइम बच्चों दिए थे ना आईडी, एक लिंक भेजे थे, गूगल की लिंक भेजे थे जिसपे कमेंट्स करना था उनको, वो लिंक नहीं गूगल पे जो अपने क्लास का जो एक आपको लिंक आएंगी मेरे बैच के बाद, वो लिंक ओपन करके स्टूडेंट साइड से आपको क्लास के प्रति कमेंट्स लिखना है। वो आप अपने मन से लिखो जिसमें आपको मतलब 5 स्टार में से आपको रैंकिंग करना होती है, तो 5 में से 6 तो नहीं दे सकते ना, इसलिए 5 दे देना, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है वैसे, ओके? और स्टार के साथ कुछ अच्छा से लिखना भी, हम देखते हैं कौन बच्चा उसमें ज्यादा अच्छा लिख पाएगा करके, ठीक है? तो रिवीजन टॉपिक कल देखेंगे, आज क्वेश्चन नहीं है। बुआज कुलकर्णी सर आगे वैसे आने में, उनकी बैच शुरू होंगी, हम रिमेनिंग टॉपिक जो कल देखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है आज क्या करना है आपको करके? तो ठीक है, तो आपको अभी इमीडिएटली मेरे बैच के बाद साधना मैम जो आपको लिंक भेज देंगे, वो तो लिंक ओपन करने के बाद आपको उस पर रैंकिंग देना है, मतलब स्टार रैंकिंग देना है क्लास को, मतलब आउट ऑफ 5 स्टार है ना। तो ऑप्शन आपको 5 स्टार में से मैं 4 दे रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, तो चूंकि 6, 7, 8 नहीं दे सकते आप करके 5 से अपन काम चला लेंगे 5 में से, ठीक है? और उसके साथ आपको अच्छे से कुछ कमेंट्स भी लिखना है, आपका रियल में जो अब तक की एक्सपीरियंस है वो भी लिखना है उसके ऊपर, जो गूगल की लिंक मिलेंगी आपको, तो ठीक है? और अगर किसी कोई अच्छा मुझे कमेंट लगता है तो उसका नाम मैं कल क्लास के अंदर लूंगा। आज के लिए इतना काफी, रिव्यू टॉपिक विल कंटिन्यू बट टुमारो, टिल देन अपना ख्याल रखे, बाय बाय। जिनके पास इंस्टा नहीं है वो इंस्टा अपने पेरेंट्स का यूज कर सकते हैं, या तो इंस्टॉल कर सकते हैं या तो नहीं इंस्टॉल कर सकते, वो अपनी मर्जी क्या करना है, ठीक है? थैंक यू।